आज हम जा रहे हैं जी सुबह फैसलाबाद डिग्री के चक्कर में, और अभी हम कैंट से बाहर निकले हैं। मेरे साथ हैं वो है अदनान सिद्दीकी जी। तो ये देखें जी, ये है अदनान सिद्दीकी, निक नेम इनका अदनान सिद्दीकी। शक्ल दिखाइएगा इधर, हाँ ये देखें। और ये है जट साहब, ये बहुत छोटा सा रोड है, इस पर बहुत फोकस के साथ ड्राइव करना पड़ता है। इधर देखें फैसलाबाद कत्तर और समुद्री 35 किलोमीटर रह गया जी। ये देखें गाइस, हम रावी पर पहुंच गए हैं। ये समुद्री टोल प्लाजा है, ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, अपना जगह टैक्स लगा के बैठे हैं। बेचने वाले से लड़ रहे थे? लड़ नहीं रहे थे, मेरा मोहब्बत के नाम नाजिक रूपा कीजा जज्बात का तबादला कर रहे थे। अच्छा अच्छा, जाने क्यों आप इस तरह का जदाई और बेबरती वाले नसास से लफ्ज जो है अपनी जबाने अतर से बोल रहे। इतने खूबसूरत आप इंसान है, इतनी मोहब्बत और अकीदत वाले, और इतनी पुरकशिश आंखों के मालिक और बालों का क्या कहना, हसीन जुल्फे और चेहरे के ऊपर एक जो पुरनूर सा चेहरा है आपका। हम लड़ नहीं रहे थे, दरअसल हम उससे नेगोशिएट कर रहे थे, और उसने 50 रुपए का जो पीस है वो 30 रुपए के देने के ऊपर जो है मान गया। लेकिन हमारे मेरे बिल्कुल पहलू के अंदर बैठे हुए थे मेहर अदनान साहब, उन्होंने कहा भाई जी 50 वाला पीस 15 में देना है तो हमने लेना है, लेकिन हमारा जो है वो सौदा ना हो पाया। वो बेचारा 20 तक आ गया, लेकिन मेहर साहब ने फरमाया कि मैनू 5 की हड्डी चाहिए मिलते, मैं नहीं लेना, लिहाजा हमने नहीं लिया। और खुद भी भूखे हैं और हमें भी बिल्कुल इसी तरह से जो है ना ये फैसलाबाद तक लेके जाएंगे। अदनान सिद्दीकी साहब हम कलाम होंगे तो जी। अदनान साहब थैंक यू सो मच, मुआज़ा आपने मुझे आज मौका दिया है जी, मैं इस काबिल नहीं हूं। जिनके लिए ये बहुत बड़े फखर की और आज की बात है, उनकी खुशकिस्मती है कि वो आज हमें देख भी रहे हैं और हमें सुन भी रहे हैं। हमारी आवाज़ को याद रखिएगा, हमारे अल्फाज को याद रखिएगा, हमारी शक्ल को भी याद रखिएगा, क्योंकि अपना टाइम आएगा। ये समुद्री इंटरचेंज है जहाँ से मोटरवे की तरफ जा सकते हैं। देखें जाते जो थी वो एक वक्त था जब बहुत मकबूल होती थी और डिफ्रेंशिएट करना होता था। जब पार्टीशन हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब अलग अलग हुए तो वहाँ पर इसकी बड़ी अशद ज़रूरत थी। तो अब चूँकि पाकिस्तान माशाल्लाह एक अच्छी जो है वो डेवलपिंग कंट्री की तरफ जा रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ अलहमदिल्ला जा रहा है, खुशकिस्मती के अच्छे हुक्मरानों के ज़ेर साया ये मुल्क आ गया है बड़े लिखों के हाथ में। तो अब यहाँ पे ज़ातों की कोई ख़ास अहमियत रही नहीं, हाँ ज़ात का पता होना और उस पर फ़ख्र होना हर ज़ात वाले के लिए एक खुशकिस्मती भी होती है और एक बड़े आवाज़ की बात होती है। बिल्कुल, अब जो है वो बेहतर ये है कि हम लोग चूँकि वी आर द मुस्लिम्स, तो हम लोग एक दूसरे को अच्छे नामों के साथ पुकारे। मैंने उसे कहा गैरों से न मिला कर, उसने मुस्कुरा के कहा तुम भी तो पहले गैर थे। वाह 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 वाह, ये ट्रकों वालों में अक्सर बहुत कमाल के शेर लिखे होते हैं। ये देखें, खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें ली हैं ताकि सफ़र अच्छा गुजरे। फैसलाबाद सिटी के अंदर इंटर हो चुके हैं। जब भी आप फैसलाबाद इंटर होंगे तो आपको ये रोड आपका वेलकम करेगा, इस तरह का पेप्सी के लोगो वगैरह लगे होंगे स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर। जी तो अभी हम अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं पार्किंग एरिया। जी तो ये पार्किंग एरिया है जहां पर आप अपनी आराम से गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और ये जिसे फैसलाबाद का ग्राउंड है जहां पर क्रिकेट फुटबॉल सब इकट्ठा ही है। और ये जिसे फैसलाबाद की बिल्डिंग का एक व्यू, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं इसे आप बाग स्ट्रीट का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ जाएं तो इधर काफ़ी लोग गश्त कर रहे होते हैं, लड़के और लड़कियाँ आवारा गश्त कर रहे होते हैं, तो काफ़ी रश होता है इस स्ट्रीट पर।
तो आगे जाके हम आपको इसका एक और व्यू चेक करेंगे। और ये इस वाक स्ट्रीट का एक और व्यू, जहाँ थोड़ा सा रश अभी टाइम काफ़ी हो गया है, तो इस वजह से रास्ते से कम है। और ये अकाउंट ऑफिस जहाँ अपनी फीस वगैरह आप जमा करवा सकते हैं। और यहाँ जिससे यूनिवर्सिटी में एक नेशनल बैंक की ब्रांच भी है, और इसमें एक ATM भी है जहाँ से आप इजीली अपना कैश निकलवा सकते हैं। अभी आपको जूम करके ये दिखा रहे हैं, देखिए ATM भी लगा हुआ है। पर अभी हम कंटीन और प्रिंटिंग शॉप की तरफ जा रहे हैं। और ये देखें सामने प्रिंटिंग शॉप है, काफ़ी बड़ी प्रिंटिंग शॉप है, और काफ़ी आदमी इधर काम कर रहे होते हैं। परली साइड पर आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह USP से अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह निकलवा सकते हैं। और इस साइड से आप, जिस साइड से हम अभी जा रहे हैं, इस साइड से आप अपनी प्रिंटिंग वगैरह करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट को। और ये है कंटेन का थोड़ा सा बाहर से व्यू, अभी अंदर से भी आपको व्यू दिखाते हैं इस कंटेन का। ये देखें अभी ये सिटिंग एरिया है, काफ़ी बड़ा सिटिंग एरिया है। पर और अभी हम बिजनेस ऑफ लॉ डिपार्टमेंट में नहीं हो रहे हैं। पर यहाँ कैमराज वगैरह लेके जाने की इजाज़त नहीं है, काफ़ी सख्ती है, और गार्ड्स वगैरह काफ़ी खड़े होते हैं जो आपको ये नहीं करने देते, तो बड़ा स्क्योरली ये मूवी वगैरह बनानी पड़ती है आपको। और अभी एक ये कॉरिडोर का व्यू है, काफ़ी अच्छा व्यू है कॉरिडोर का। मुझे पता है कि वीडियो अच्छी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी जितना हो सका मैंने अच्छा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि परमिशन नहीं थी यहाँ। तो अभी हम ये दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये बाहर का थोड़ा सा व्यू हम बाद में दिखाते हैं कहाँ, मतलब ये काफ़ी ऊपर बिल्डिंग जाती है, तो मेरे ख्याल में 3 फ्लोर हैं। और अभी ये सामने पीने के लिए पानी है, काफ़ी वाइजर से पानी भर के पीते भी हैं। अभी आपको ये एक क्लासरूम के अंदर लेके जाते हैं कि इनकी क्लासेस वगैरह अंदर से कैसी होती हैं। और दो किस्म की है, क्लासरूम में इनके चेयर वगैरह पड़ी थी, दूसरे क्लासरूम में बेंच वगैरह पड़े थे। ये देखें अभी इस क्लासरूम में चेयर वगैरह पड़ी हुई हैं, सामने भी बोर्ड लगा है वाइट बोर्ड, इधर पीछे भी लगा है वाइट बोर्ड, तो ठीक है। अभी ये दूसरे रूम में जा रहे हैं, तो इधर बेंचेस पड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे बेंचेस हैं, और सेटअप काफ़ी अच्छा लगाया हुआ है। हर क्लासरूम के 2 दरवाजे हैं, जो एक पीछे से और एक आगे से है। पीछे वाला कह सकते हैं एमरजेंसी दरवाज़ा, तो अभी हम ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। आपको बाहर का थोड़ा सा दिखाते हैं ये, कि 3 फ्लोर हैं इनके इस बिल्डिंग के, ये पानी भर रहे हैं बॉयस। ये देखें थोड़ा सा एरिया है, थोड़ा हो रहा है, तो ये देखें बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और इन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें। थैंक यू।